नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों ये वैल्यूम बटन, जैसे कि दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वैल्यूम बटन होगा ऊपर वाला और नीचे वाला, तो दोस्तों आप इसका यूज सिर्फ अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों आवाज को इस तरह से ज्यादा करने के लिए और दोस्तों नीचे वाला जो बटन है दोस्तों आवाज को कम करने के लिए इतना ही यूज करते होंगे। यानी कि दोस्तों सिर्फ आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं इस वैल्यूम बटन से दोस्तों। बट इस वीडियो के अंदर मैं इस वैल्यूम बटन की दोस्तों एक ऐसी खुफिया और दोस्तों मैजिक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसको दोस्तों आप लोग देखकर बिल्कुल ही चौंक जाओगे और दोस्तों मेरी वीडियो के इस कमेंट के अंदर बोलोगे कि वाह भाई ये तुमने कैसे किया। अब दोस्तों क्या किया ये सारा सब कुछ तो आपको जानने के लिए इस वीडियो को देखना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मान लो अगर आपका कोई यार दोस्त है आपका मोबाइल फोन ले लेता है, यार दोस्त तो बहुत शरारती होते हैं, ऐसे में आपका मोबाइल फोन ले लेता है और ये बोलता है कि मुझे फोटो वगैरह खींचना है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपका मोबाइल फोन ले लेगा तो दोस्तों आपका मोबाइल फोन में कैमरा तो ओपन करेगा ही, बट दोस्तों वो फोटो भी देखेगा, वीडियो भी देखेगा, हो सकता है उसके अंदर आपकी पर्सनल प्राइवेट फोटो वीडियो हो जिसे कि दोस्तों आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आपका मोबाइल फोन निश्चिंत होकर दे दीजिए आप उसे। जैसे ही दोस्तों वो आपका कैमरा ओपन करेगा उसे ये लिखा हुआ नजर आएगा फोन का कैमरा खराब है। अब दोस्तों वो इसे कितना भी कोशिश कर ले यहाँ पे दोस्तों ओपन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कितना भी कोशिश कर ले दोस्तों बैक करेगा, पावर बटन दबाएगा, कुछ भी करेगा दोस्तों ये ओपन नहीं होगा। इसी तरह से वो आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों आपका व्हाट्सअप ओपन की करने की कोशिश करेगा, यानी कि दोस्तों और भी हो सकते हैं दोस्त जो आपके मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सअप को यूज करना चाहते होंगे, या फिर लेने के बाद दोस्तों कोई ना कोई यूज करने ही लगता है, कुछ ना कुछ देखने ही लगता है। ऐसे में दोस्तों हो सकता है आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों व्हाट्सअप में भी बहुत सारी पर्सनल चीजें होंगी, फोटो वीडियो होंगे जो दोस्तों आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो दोस्तों ऐसे में अगर वो आपका यार दोस्त आपका मोबाइल फोन ले लेता है, जैसे कि मान लो दोस्तों हो सकता है फैमिली में ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दोस्तों किसी की पर्सनल मोबाइल फोन को लेकर छेड़छाड़ करने लगते हैं, तो ऐसे में दोस्तों वो उसे यहां पे लिखा हुआ नजर मिलेगा फोन का व्हाट्सएप खराब है। यानी कि दोस्तों वो जो भी फोन लेगा वो कोई सा भी एप्लीकेशन ओपन करेगा तो दोस्तों ये उसे लगेगा कि इसके अंदर सारा सब कुछ खराब ही है और चाहे दोस्तों कितना भी कोशिश कर ले ये ओपन भी नहीं कर पाएगा। और दोस्तों आप इसे सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों कैसे ओपन करोगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये जो कैमरा है मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वैल्यूम बटन का दोस्तों खुफिया मैजिक ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपने मोबाइल फोन का या ये जो दोस्तों वैल्यूम का अप बटन, डाउन बटन, अप बटन यहाँ पे तीन बार दोस्तों ऐसे दबाया तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे मोबाइल फोन का दोस्तों यहाँ पे ये कैमरा ओपन हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से जो आपका व्हाट्सअप है यहाँ पे, जैसे कि ये जो व्हाट्सअप है अब दोस्तों ये ओपन करेगा तो वो तो ओपन नहीं कर पाएगा, बट दोस्तों अगर आपको इसे ओपन करना हो तो यहाँ पे एक बार दबाए, दो बार नीचे दबाए, यहाँ पे एक बार ऊपर दबाए, ये आपका व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का खुफिया ट्रिक है जिससे कि दोस्तों आप अपने डेटा को यानी कि दोस्तों शेयर होने से बचा सकते हो, लीक होने से बचा सकते हो। ऐसा अगर आपको लगता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें हैं जो कोई और ना देख पाए तो दोस्तों इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। कैसे करोगे दोस्तों सारा सब कुछ इसी वीडियो के अंदर प्रोसेस में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों सिंपल सा आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों क्या क्या सेटिंग करनी है दोस्तों वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे OOPS यानी कि दो बार O उसके बाद PS स्पेस LOCK इस तरह से दोस्तों आपको लिख देना है। दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद भाग मत जाना इस वीडियो को छोड़कर, इसके अंदर जो सेटिंग करनी है दोस्तों उसे भी आपको समझ लेना होगा। यहाँ पे दोस्तों उप्स लोक एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लोगे, देख सकते हो दोस्तों 50 लाख यानी इसे लोग यूज कर रहे हैं, कितना ज़्यादा दोस्तों पावरफुल और तगड़ा एप्लीकेशन है। इसे दोस्तों 3 MB का एप्लीकेशन है, आप दोस्तों इस तरह से इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद दोस्तों जो सेटिंग करनी है वो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। अब दोस्तों आपके सामने ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है, ओपन पे टैप कर रहा हूं। दोस्तों जैसे ही ओपन पे टैप करोगे आपके सामने यहाँ पे दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, आपको यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट वाले बटन पे इस तरह से टैप करना है। और दोस्तों जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट वैल्यूम की पैटर्न, तो आपको यहाँ पे दोस्तों ये जो वैल्यूम बटन है दोस्तों एक बार दबाओ या दो बार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों पासवर्ड क्या सेट करना चाहते हो इस वैल्यूम बटन का। तो दोस्तों अगर एक बार ऊपर वाला दबा दिए तो यहाँ पे हो गया, एक बार नीचे वाला दबा दिए।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, दो बार आप यहाँ पे करना चाहते हो या चार बार करना चाहते हो। अगर आप चाहो तो एक बार और दबा के कर सकते हो, एक बार और नीचे दबा के कर सकते हो। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कब कब मैंने ऊपर दबाया है, कब नीचे, यानी फर्स्ट बार ऊपर दबाया है, सेकेंड बार नीचे दबाया है, उसके बाद ऊपर दबाओगे नीचे दबाओगे, इस तरह से आपको याद रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है, फिर से आपको यहाँ पे एक बार ऊपर दबाने हैं, एक बार नीचे दबाने हैं। अब इसे दोस्तों आपको कंफर्म कर देना है, और दोस्तों जैसे ही कंफर्म कर दोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे बटन दिख रहे हैं, नोन, बोथ, लेफ्ट, राइट, आपको यहाँ पे दोस्तों नोन पे टैप कर देना है, नेक्स्ट पे इस तरह से टैप कर देना है। आपको दोस्तों यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी एक नाम वगैरह दे देना है जो कि आपको याद रखना है, अगर कभी आप भूल जाते हो तो आपको इसे मदद मिलेगी रिकवर करने में। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगेगा, यूसेज एक्सेस, तो आपको इसको ग्रांट परमिशन दे देना है, ओके पे टैप करना है, और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे दोस्तों इसे परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद दोस्तों आपको वापस बैक आना है। इसके बाद दोस्तों आपको डिस्प्ले ओवर अदर एप्स का ये परमिशन दे देना है, ग्रांट पे टैप करना है, ओके पे टैप करना है, बैक आ जाने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये फंक्शन ओपन हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिनिश पे टैप करना है, ओके पे टैप करना है। अब दोस्तों अगर मान लो कोई बंदा आपका मोबाइल फोन ले लिया और उसे ये पता चल जाए कि ये सारा सब कुछ आप एक एप्लीकेशन की मदद से कर रहे हो, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन को भी दोस्तों अनलॉक नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों वो एप्लीकेशन ओपन करेगा जब कभी, तो दोस्तों वो उसे यहाँ पे एक नोट की तरह दिखाई देगा और उसे ये लगेगा ये तो एक नोटबुक है, इसके अंदर क्या है दोस्तों उसे ये चीज पता नहीं है। अब दोस्तों इस चीज के बारे में तो आप ही जानते हो, आपको अगर इसे ओपन करना है तो एक बार ऊपर दबाया, एक बार नीचे दबाया, ये दोस्तों इस तरह से एक बार ऊपर और नीचे दबाने से ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ऐप लॉक का ये जो परमिशन है दोस्तों आपको यहाँ पे दे देना है। अब दोस्तों मान लो आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों हो सकता है, यहाँ पे तो दोस्तों मैंने आपको कैमरा और व्हाट्सअप ओपन करके दिखाया। अब दोस्तों मान लो आपको यहाँ पे अपनी गैलरी को लॉक करना है, तो दोस्तों मान लो आपको गैलरी की यानी कि दोस्तों फाइल मैनेजर को ही लॉक करना हो जाए, या दोस्तों हो सकता है आपके मोबाइल फोन के अंदर जहाँ पे भी दोस्तों सेंसिटिव चीजें हो, जहाँ पे आप ये नहीं चाहते कि वो उसे देख पाए, तो दोस्तों ये वाली जो फोटो है मैं इस पर दोस्तों सेलेक्ट पे टैप करूंगा, कस्टम पे टैप करूंगा और दोस्तों अलाउ पे टैप कर दूंगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से एक बार इस पे टैप करना है, कस्टम पे टैप करना है, और दोस्तों यहाँ पे टैप करो तो आपके सामने यहाँ पे एक फाइल नजर आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो फाइल है दोस्तों यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं इसे ओपन कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये जो देख रहे हो दोस्तों ये फोटो इमेज, इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको काम आएगा। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको यहाँ पे इसे लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लगा के आप लोग इसे इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से जूम कर लेना है, क्रॉप पे टैप करना है और दोस्तों ये फोटो लग चुका है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि मैंने फोटो के अंदर लगा दिया। दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों कॉन्टेक्ट लिस्ट पे लगाना है तो आपको यहाँ पे इस तरह से कस्टम पे टैप करना है, सेलेक्ट पे, उसके बाद कस्टम पे, फाइल पे टैप करना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी अगर आपको लिखना है इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करनी होगी। मान लो जैसे दोस्तों वहाँ पे मैंने गैलरी लिखा, तो आपको यहाँ पे एडिट करके व्हाट्सअप को यहाँ पे इरेज करके और आपको गैलरी लिख देना है। इसी तरह से दोस्तों मैंने कॉन्टेक्ट पे लगाया, तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, फोन का कॉन्टेक्ट यहाँ पे का कैमरा हटा के दोस्तों कॉन्टेक्ट लिख के आपको यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेना है। अब दोस्तों इतना हो जाता है, इसका सारा सब कुछ सेटिंग पूरा हो जाता है। अब दोस्तों आपको बैक आ जाना है, और दोस्तों जैसे ही बैक आ जाते हो आपको यहाँ पे क्या करना है देख सकते हो, अगर आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे फोन का कैमरा खराब है दिखा रहा है, बट दोस्तों आपको इसे एडिट कर लेना है, यहाँ पे कैमरे की जगह आपको कॉन्टेक्ट कर देना है, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों वो कुछ भी ओपन नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये इतना जबरदस्त और दोस्तों पावरफुल एप्लीकेशन है। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो जानकारी दिया है वो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप में दोस्तों इसे आग की तरह शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को भी पता चल सके। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि मैं दोस्तों जब भी इस तरह की कोई यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं उस वीडियो का दोस्तों आपको सीधा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से इसी तरह की एक और न्यू कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।